कल रात हम और अंकेल पहुंचे और रात को काफ़ी थके हुए थे। उधर थोड़ा सा घूमे और घूमने के बाद फिर हम सो गए और अब आज डे 3 है। आज उठे हैं, आज अभी और अंकेल हैं, अब नीचे इधर से जो कल हाइक करके ऊपर आए थे अब नीचे उतरेंगे उधर केल में, और केल से आज का हमारा सफ़र होगा ताऊबाट। तकरीबन वो 3 घंटे की राइड है। तो हमारा प्लान ये है कि अब ताऊबाट में जाके ना कैंपिंग करेंगे, तो आज का दिन ना थोड़ा सा लाइट ही रहेगा। हाँ जी, अभी हम औरंगकेल से ऊपर रात गुजार के नीचे आए हैं, अब केल पहुँचे हैं। तो केल से हमारा अगला सफ़र है ताऊबाट। अब नेक्स्ट ताऊबाट जाने, इधर से 3 घंटे की राइड है, तो है तकरीबन थोड़े किलोमीटर, लेकिन रोड की वजह से ना 3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद फिर उधर आज स्टे वगैरह करेंगे और उधर की सीनरी से के मज़े लेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ है, कह सकते हैं कि पता नहीं दूसरा किधर गया है। अब इधर आगे आपको मैं ताऊबाट के रास्ते बताता हूँ कैसे हैं। अब पता नहीं है स्नैन किधर चला गया, मुझे कहता है मोटरसाइकिल सीधी करो, मैं आगे नीचे खड़ा होता हूँ। तो सारी दुकानों वालों से भी पूछ लिया, तकरीबन मुझे तकरीबन 30 सेकंड लगे हैं मोटरसाइकिल सीधे करते हुए, और वो उसके बाद गायब हो गए। इतनी जल्दी तो इधर भी नहीं पहुँचने होता। आप देख रहे हैं किधर जा रहा है, किधर चला गया। नीचे से बाजार तक जाता हूँ चला के, कहीं बैठ गया है या किसी के साथ। वो खड़ा है और ये इधर एकदम पहुँच गया। दिमाग नहीं काम करता, मैं ऊपर दुकानों वालों से पूछ रहा हूँ इसका, वो कितना रह गया। A few moments later. हाँ जी, अब ये हम केल बाजार से निकल रहे हैं और अब इधर से ताऊबाट की तरफ जा रहे हैं। स्नैन को अब पीछे बिठा लिया, अब स्कूल का टाइम है, बच्चे भी अपने अपने स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। बस आजकल में इनको गर्मियों की छुट्टियाँ भी हो जानी है, तो अब देखें ताऊबाट जाते हुए क्या हालात मिलते हैं, कैसी रोडें मिलती हैं। बाज़ार में तो पक्की रोड है, इस चीज़ का एडवांटेज है। ये हमारा सारा ना केल का बाज़ार है जिधर से हम गुजर रहे हैं। कल जब केल आए थे तब बारिश लगी हुई थी, तो फिर बारिश की वजह से हमने हेलमेट से कैमरा उतार दिया था, तो लेकिन आज मौसम साफ है। ताऊबाट यही आएगा ना जी? ताऊबाट यही है, ताऊबाट ये आगे जाएं जो पहली चौक है ना, वहां से राइट साइड ना, ये रास्ता है आज ना सटदा है ये। ओ मैं, अच्छा मैं लिया, मैं ही ट्रक नो ला के सामने ले आंदा ओए ओए, रिफ्लेक्स होंदे ने। आए जी, ये भी ताऊबाट का रास्ता शुरू हुआ है, बड़ा गंदा रास्ता है। इधर सही हाथ
बाजुओं में दर्द निकल आया है, अभी तो आगे 3 घंटे का पड़ा हुआ है। बस साहब ने अपना नज़ारे चेक करें, व्यूज़ चेक करें, क्या हसीन व्यूज़ हैं, क्या हसीन नज़ारे हैं। जितने मर्जी रास्ते ख़राब हों कश्मीर के, लेकिन व्यूज़ ना आपको सही मज़ा कराते हैं। Take me higher to the valleys and mountains that touch the sky. Oh, Pakistan, you steal my heart with your beauty that's a work of art. इधर से अगर लेफ्ट हो जाएं तो शांतर वैली है, राइट हो जाएं तो ताऊबाट है, लेकिन शांतर ताऊबाट की रोड पहले से भी ख़राब है। आगे शायद मेन रोड पे चढ़े तो कोई, मैं तो यही मेन है, शायद गांव से बाहर निकलें तो जो वीराना रास्ता होता है वहाँ पे कुछ बेहतर हो रोड। अभी तक तो ये 10 मिनट हो गए चलाते हुए और हाथों का दर्द निकल आया। जी इधर से हमने एंट्री करवाई, एंट्री इसलिए होती है कि बंदा आगे जाके ना गायब ही ना हो जाए, वापस भी आना होता है। तो अब हम आगे इस गांव से निकल रहे हैं और ताऊबाड़ की तरफ, मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। ये एक खूबसूरत सी झील बनी हुई है, ये थोड़ी सी नई रोड बनाई है इन्होंने भाई, ये तकरीबन 5 मिनट की भी नहीं है, आगे जाके फिर कच्चा रास्ता है भाई। इधर ना ये झील के सही नज़ारे हैं और मज़े हैं झील के सही, मैं कहता हूँ कि दिल गार्डन गार्डन करने वाली झील है। झील को देख के सही दिल गार्डन 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 हो जाता है। बस ये नई रोड गई तो ताकि मज़े थे, तकरीबन 5 मिनट की नई रोड थी, 2 से 2.5 किलोमीटर, बस वो आपने मज़े में काटे हैं। आगे से न फिर आपने वो इन्हीं रास्तों पे जाना है जी, लमो लम चिको चिक। जी अभी हमने ब्रेक लगाई ताऊबाट के रास्ते में, इधर आधा रास्ता हुआ, अभी इधर से नाश्ता करेंगे, भूख ज़्यादा लगी थी तो ताऊबाट अभी दूर है, अभी तकरीबन 1.25 घंटा और लग जाएगा, और इधर ये सीन्स में बैठ के नाश्ता करेंगे। बस आपने ये सीन्स चेक करें, वो नीचे दरिया गुजर है, दरिया के भी अपने मज़े हैं, उसके बाद फिर दोबारा हम अपनी राइड शुरू करेंगे नाश्ता करने के बाद। Chasing the northern skies in the land of beauty where the mountains rise. From this land of buds to Gilgit, we embark on a quest. Exploring the wonders, this land is truly blessed. Northern skies take me higher to the valleys and mountains that touch the sky. Oh, Pakistan, steal my heart with your beauty that's a work of art. ये अब ऊपर आ गए हैं जी, दरिया बड़ा नीचे रह गया, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है। Take me high.
touch the sky. Oh Pakistan, you steal my heart with your beauty, that's a work of art. एक अबशार ऊपर से नीचे आ रही है और ये रोड पे जा रही है। अब हमने इसको क्रॉस करना है जी ऐसे मस्त अपनी मस्तानी पे, और ऊपर दो मस्ताने और ये मस्तानी तो ऐसे ये जा रही है जी। ये आए हाय बोले ये दरियाए की मस्ती देखें जी, दरियाओं की। अब जो शूज़ सारे गीले हो गए, शूज़ तक आ गए थे पानी, अब ये रोला हो गया। अब GoPro की बैटरी चेंज की, आगे नज़ारे भी आ रहे थे। थोड़े से मसीकी का सीन किया और मैं आपको ना आगे के नज़ारे दिखाता हूँ। ये आप वाटरफॉल देख रहे, वाटरफॉल्स, इट्स अमेजिंग वाटरफॉल, लुक एट दैट वाटरफॉल, इट्स सो अमेजिंग। ओए होए मज़े आ रहे हैं। अब शूज़ बचाने हैं, इधर पिछली दफ़ा शूज गिले हो गए थे। आए आए मिस्ट आ रही है, मिस्ट आ रही थी, चस्क आ रही है जी वाटरफॉल ने जी। आए हाय हाय हाय, मैं कहता नहीं मज़े आ गए हैं, बस गाने बंद हो गए हैं। पहले गाने गा रहे थे, हाँ लगे दिल लगे मानता नहीं है कि मानता नहीं। ये ना आप सीन चेक करें, ये सीन चेक करें, बाजू पे लगा हुआ है स्पीकर और जा रहे हैं जी पहाड़ों में लम्बो लम चिको चिक कुमार सोनू के साथ। कुमार सोनू हो, पहाड़ हो, मोटरसाइकिल हो, मस्ताने हो, नीचे मस्तानी आए आए आए, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। छोटा सा गांव आया जिसको हमने क्रॉस करना है ताऊबाट के रास्ते में। सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं सादगी में कश्मीर के लोग। बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े बस अपने अपने काम काज के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आधे बच्चे स्कूल में हैं, जो ज़्यादा बच्चे हैं उनको मेरे ख्याल है छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो आपको इधर सड़कों पर ना सीन्स इंजॉय करते नज़र आएंगे। ये सीन चेक करें जी आप, अभी इधर बिल्कुल साइड से उतारनी पड़ेगी, है ख़तरनाक लेकिन ना। निकल ही आई है। हाँ जी ये रास्ते बस इसी तरह के हैं, तकरीबन अभी 2 घंटे और है ताऊबाट, और हम बस मौसीकी सुनते हुए नज़ारों को एंजॉय करते हुए मस्तानी पे बैठ के दो मस्ताने बस जा ही जा रहे हैं जी। रास्ते काफ़ी मुश्किल भी हैं लेकिन अगर आप में हिम्मत है आप चला सकते हैं, और आप अगर पसंद करते हैं इस तरह के नज़ारे तो फिर तो आपको बिल्कुल ही नहीं मुश्किल लगेंगे, फिर आपका ना निज़ाम चल जाएगा।
अगर आपको इतना खास शौक नहीं है इन जगहों का, इन नज़ारों का, फिर आपके बाजू टूट जाएंगे, फिर रोला हो जाएगा। ये सारी बात है। और नज़ारे आपको बोर नहीं होने देंगे। हर रास्ते में ना, हर एक मिनट बाद एक नए किस्म का नज़ारा आपके सामने आएगा, एक नए सीनरी आएगी आपके सामने। तो आज के भी सीन्स कमाल हैं। जी घोड़े भी क्रॉस हो गए जी। ये बस बीच बीच में आ जाते हैं, इनकी क्रॉसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी निज़ाम चल ही रहा है। हम थोड़ा सा ना ब्रेस्ट वगैरह कर लें, 5-10 मिनट, पिछले एक घंटे से चला रहे हैं, बस रुकते रुकते जाए बंदा रेस्ट। जब टाइम हो तो क्या ज़रूरत है अपने आप को थकाने की। जितना बंदा फ्रेश होगा उतना सीन्स एंजॉय करेगा। एक और गांव आया जी, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कश्मीरी छुट्टी करते हुए आए। ओह मैं इतना थक गया हूँ कि अब ना मेरी कमीज़ पसीने से गीली हो गई है। मैंने जैकेट के अंदर थर्मल भी लगाया हुआ है, वो भी नहीं उतारा। तो अब सीन्स गर्म होना शुरू हो गए हैं। बाहर बहुत तो ठंडी है लेकिन जैकेट बहुत गर्म है। और एयर वेंट भी बंद है, मेरा दिल है कि रुक के एयर वेंट खोल दूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी हवा जैकेट में जाए और गर्मी से जान छूटे, थोड़ा सा पसीना खुश्क हो। हाय 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 हाय। ये पाकिस्तान के कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के जो आखिरी गांव है ना, उनमें से अब इसको सेकंड लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि ताऊबाट आखिरी गांव है, उसके आगे पाकिस्तान कश्मीर ख़त्म हो जाता है, उसके आगे फिर दूसरा कश्मीर इंडिया वालों का शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान की बाउंड्रीज, आज़ाद कश्मीर की बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं ताऊबाट पहुँच के। ताऊबाट लास्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की। क्या ब्यूटी है इन गांव की भी, है नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल होम्स, लवली 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 सीन्स, लवली हैं जी। हाय ओ कितने पहुंच गए, ओए आए। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे बाल भी पसीने से गीले हो गए, क्योंकि जोर लगता है ना जब आप थकते हो ना, तब आपका जिस्म गर्म होता है, फिर पसीना निकलता है बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। ये सारा मेरा ख्याल है, साइंस है इस सब सीन के पीछे। ओह वेयर इज माई ताऊ बट, मेरे बट ताऊ ताऊ कर रहे हैं ताऊ बट पहुँचते हुए। ताऊ बट नहीं आया पर बट ताऊ ताऊ हो गए हैं। काफ़ी लंबा चला है गांव, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आगे मुझे दरिया नज़र आए। ये ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, दरिया के लेवल पे हैं, पर होना आगे यही है, फिर ऊपर जाना है। जब फिर नीचे उतरेंगे तो शायद ताऊ बट के सीन्स शुरू हो जाएं। हाँ जी ये वाले सीन्स का भी अपना मज़ा है, ये भी सीन्स शानदार हैं। ओह हो आहा
स्लिपरी स्लिपरी साइड में खाई दरिया, सीधा बचने का कोई चांस नहीं, डायरेक्ट मौत। डायरेक्ट मकामी लोग थक जाते हैं, फिर इधर चश्मों का ही पानी पी लेते हैं रुक के। प्योर पहाड़ों के ज़मीन के अंदर से पत्थरों से फिल्टर होके मीठा मीठा पानी और ठंडा पीने वाला टेम्परेचर। अब तो मुझे भी प्यास लग गई है इनको देख के, पानी पीने का दिल कर रहा है। लेकिन ये आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, ताओ बाड़ नीचे की तरफ और आर्मी कैंप ऊपर की तरफ। ठीक हो गया, अब तो सीन और भी ज़ालम होने लगे हैं कि हम दरिया के साथ साथ जा रहे हैं, मतलब दरिया में ही जा रहे हैं पत्थरों के ऊपर, साथ में कैंप है। हाय ये आप सीन, ठीक है जी बिल्कुल ना, ये पानी साथ, पानी के साथ साथ बड़े इधर ओए होए 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 होए, इधर निज़ाम और मुश्किल है। पुरानी यादें आ गई हैं, इस तरह मैं जब फिशिंग करने जाता था तो दरियाओं पे चलाता था थोड़ी देर, वरना मेरे बाजू टूट जाते थे। तो अब तो बाजू पहले से ही टूटे हुए हैं। What the fuck? ये तो पानी में से गुजरना पड़ेगा ही। स्नैन साहब पानी च जान दे अपरू अपरू, फिर टलना पैसी फिर थानू अगे लग सा पिछे। ये जी अब स्नैन साहब को उतार दिए, दिल लेके इधर से ऊपर काट लो। ओए 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 ओए, वाइजर ऊपर कर लो, मुझे सांस चढ़ता है और वाइजर के ऊपर बाप जमना शुरू हो जाती है। बड़े पत्थर, अब दोबारा पानी की तरफ जाना पड़ेगा, पानी के बीच में से गुजरना पड़ेगा ही। बैग ला ले, टैंक बैग तंग करता पे। अब वन ऑफ रोड एडवेंचर सही किस्म का। ओए माय गॉड, अल्लाह जी तेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओह ओह, ये सिर्फ जीपों वाला ही रास्ता है। हाय जीपें इधर सही करके जा सकती हैं। हमारे बस का रास्ता नहीं है। ओह हाँ, ये सीन्स चेक करें आप, सीन्स तो कमाल हैं। हाँ जी, दरिया पार तो किया लेकिन दरिया के बाद फिर ब्यूटी भी तो है ना,
ये सीन चेक करें जी, गांव में से कैसे गुजरता है रास्ता, कमाल है। हाय हाय हाय, अब तो ग्रीनरी भी शुरू हो रही है, सब्जा सब्जा ताऊ बट सब्जा बट ताऊ ताऊ भी सबसे सब्जे बट ताऊ ताऊ तो लाल हो गए लेकिन ताऊ बट सब्ज है। अभी नहीं पहुंचे ताऊ बट, पता नहीं और इतनी कितनी क्रॉसिंग्स करनी पड़ेंगी। ये है जी हमारा ऑफिशियल ताऊबट गांव जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव, विच इज़ कॉल्ड ताऊबट। ये है जी ताऊबट, यहाँ पहुँचते हुए बट ताऊ ताऊ हो गए लेकिन इसको कहते हैं जी ताऊ बट, ताऊ बट। ताऊ बट के क्या सीन है जी, आगे गांव पहुंच के कोई कैंपिंग की जगह ढूंढते हैं, देखते हैं कैंपिंग करनी है या आज वापस जाने, प्रोग्राम तो कैंपिंग का था, अब जगह देख के पता चलेगा कैंपिंग मजा कराएगी या नहीं। हाँ जी, ये अब ताऊ बट के सीन्स हैं, दरिया गुजर है साथ में, रास्ता है, खूबसूरत गांव है जी, पाकिस्तान का आखिरी गांव भी खूबसूरत है। यहाँ बस पानी पानी है, इनके लिए पहला होगा ये अगर इधर से शुरू करें, हमारे लिए ये आखिरी गांव है। और अभी हम पहुंचे ताऊ बट, अब इधर हम देखते हैं कि कहाँ रेस्ट करना है, कहाँ खाना है, कहाँ टेंट लगाने हैं, कहाँ रात गुजारनी है, क्या करना है, अब इधर हम फैसला करेंगे जाके।